नमस्कार जी। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह गुल्ला ब्लॉक और सीवन ब्लॉक और जिला कैथल की टीम आज तहसील गुल्ला में तहसील गुल्ला की उपमंडल अधिकारी परिसर के कार्यालय के सामने खड़ी है और जो पिछले दिनों भारी बारिश के कारण किसानों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है उसके बारे में अपने अधिकारी से अपनी मांग को लेकर सभी किसान साथी सभी गांवों से आए हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि चार छुट्टी निकल जाने के बाद भी आज वर्किंग डे आया है और उसके बावजूद भी यहां पे ना तो कोई उपमंडल अधिकारी है, ना तहसीलदार है, ना नायब तहसीलदार है, यानी कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी इस समय तहसील के कार्यालय में मौजूद नहीं और ऊपर से किसान की फसल बर्बाद हो रही है खेतों में। इस समय पे सरकार नाम की प्रशासन नाम की यहाँ पे कोई भी चीज़ गुल्ला तहसील के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। किसान अपनी समस्या को लेकर आया है लेकिन आगे अधिकारी हैं कि वो यहाँ पर अपने कार्यालय में मौजूद ही नहीं, अलग अलग बहाने बना रहे हैं। तो ये एक दुख की बात है और हरियाणा की सरकार है इसको इसके ऊपर तुरंत गौर करनी चाहिए। हम अपना मांग पत्र आप मीडिया के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि पहली जो हमारी स्थानिक स्तर पर जो मांग है वो है गग्गर नदी उफान पर है इस समय, उसके आसपास के जो गांव हैं उनके अंदर काफ़ी जल भराव के कारण फसलों का नुकसान हो रहा है और पीछे से जो छोटी नदियों का पानी उसके अंदर मिल रहा है तो गग्गर नदी का जल स्तर और भी बढ़ रहा है जिससे नुकसान बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन प्रशासन अभी तक कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, अभी तक गांवों में कोई विशेष टीम अपनी अभी तक नहीं भेजी कि जो एक बार कम से कम विजिट करके दौरा करके एक रिपोर्ट पेश करके अपने अधिकारी को दे ताकि उसके ऊपर तुरंत प्रभावी कोई एक्शन किया जा सके। लेकिन सरकार इसके बारे में सरकार की जो सोच है प्रशासन की जो सोच है नकारात्मक है और नकारात्मक रवैया है। दूसरा जो पिछले दिनों बारिश के कारण गग्गर नदी वाली समस्या तो हमने पहले डिस्कस कर ली, अब ये मुख्यमंत्री पद की मुख्यमंत्री लेवल की हमारी मांग है। इस मांग के अंदर हम विशेष गिरदावरी की मांग कर रहे हैं कि गांवों के अंदर अपनी विशेष टीमें पटवारी को गिरदावरी करने के लिए भेजा जाए और दूसरा इसके अंदर सरकार के द्वारा कल जो बयान आया है कि 72 घंटे के बाद 7 दिन का सरकार समय मांग रही गिरदावरी का, हम उस मांग से बिल्कुल सहमत नहीं है कि 7 दिन के अंदर तो किसानों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा या कोई ना कोई किसान अपनी समस्या का अपने बल उसे पे कोई समाधान कर लेगा। सरकार को ये 72 घंटे से तुरंत प्रभावी ही 1-2 दिन के अंदर ही समस्या का समाधान के ऊपर अपनी टीमें गठन करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर कोई सॉलिड कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये थी और तीसरी मांग है हमारी डीसी जिला उपायुक्त को है, वो मांग है हमारी पिछले दिन ही हमारे जो प्राथमिक स्तर पर टीचर हैं JBT अध्यापक हैं उनके लेवल पे है सुरेश द्राविड़ जी जिनके ऊपर पहले तो उन्हें अपनी नौकरी से डिसमिस किया गया, उसके बाद उनके ऊपर बहाल करके जथेबंदियों के दबाव में उसके बाद एक उनके ऊपर FIR दर्ज की गई जो कि सुप्रीम कोर्ट की नोटिस की भी उल्लंघना है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस धारा को ऊपर स्टे दे रखा है नोटिस दे रखा है उस धारा का उल्लंघन करके उनके ऊपर FIR की जाती है जो कि एक सरकार के ऊपर अगर आज भी हम दुखी हैं तो वो आवाज़ अपनी उठाएगा, ये जनता को पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि अगर सरकार के खिलाफ कल को कोई भी बोलेगा तो हम सरकारें जो राज्य सरकार है वो अपनी मनमर्जी से उनके ऊपर राजद्रोह के मुकदमे चलाकर उनको प्रताड़ित करेगी। इस तरह की ये सरकार की साजिश है, हम उसका खंडन करते हैं कि ये जो FIR है तुरंत प्रभाव से रद्द होनी चाहिए और उनको अपनी नौकरी पर बहाल करना चाहिए तुरंत प्रभाव से। तीसरी हमारी मांग ये थी, धन्यवाद। जो FIR है नौकरी पर तो बहाल है लेकिन जो FIR है FRI उनकी तुरंत प्रभाव से रद्द की जानी चाहिए, हमारी तीसरी मांग ये है। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद है जी। मीडिया के माध्यम से हमारी फिर यही दोबारा अपील है कि गुल्ला तहसील कार्यालय में आप आकर देख सकते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी एक भी वरिष्ठ अधिकारी हाजिर नहीं है। किसान पीड़ित है, वो अपनी मांग कहां पर लेकर जाए,
मुख्यमंत्री खट्टर के पास तो जा नहीं सकता क्योंकि जो उसका तहसील का कार्यालय है वहीं पे अपनी मांग लेके जा सकता है। सो मीडिया के माध्यम से हमारी ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए और हमारी इन समस्या के ऊपर विशेष ध्यान देकर तुरंत से इनका हल निकालना चाहिए। धन्यवाद।